बीच रोड पर खुले पड़े गहरे हौद से हादसे की आशंका। धौलपुर जलदाय विभाग की अनदेखी से वार्ड नंबर 1 के अंबेडकर कॉलोनी में बीच रास्ते पर खुले पड़े हौद से हादसे की आशंका बनी हुई है। जलदाय विभाग की लापरवाही से हौद से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनी वासियों ने जलदाय कार्यालय में जाकर कई बार अधिकारियों को बीच रास्ते में बने हौद के बारे में अवगत कराया है, लेकिन जलदाय विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कि जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता को और अधिशासी अभियंता को कई बार बीच रास्ते पर खुले पड़े हौद के फोटो उनके व्हाट्सएप पर भेजकर अवगत कराने के बाद भी अधिकारियों ने जलदाय विभाग की लापरवाही कॉलोनी वासियों पर भारी पड़ रही है। वार्ड नंबर 1 के अंबेडकर कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि यहां जलदाय विभाग ने गड्ढा खोद कर खुला छोड़ दिया है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे गड्ढे शहर में कई जगह देखने को मिल जाएंगे। इन गड्ढों से हादसों का अंदेशा बना रहता है। मोटरसाइकिल वाले इसमें आते हैं, गिर जाते हैं। एक बच्चा भी इसमें डूब गया था तो वो हाथ से निकालना पड़ा। ये गड्ढा कब से खुला पड़ा है? एक साल हो गई है। आपने जल्दा विभाग में कोई शिकायत की? कहीं बोल के सुनता नहीं। आपने एप्लीकेशन लगाई की? वैसे गए थे आप लोग? अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा? सुनवाई कर रहा। अच्छा अच्छा